हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप भी ड्रीम इलेवन खेलते हैं और आप ड्रीम इलेवन में ये जानना चाहते हैं कि जब भी आप टीम बनाते हैं, टीम बनाते वक्त कैप्टन और वीसी किस प्लेयर को सिलेक्ट किया जाता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर जो भी आपके मन में सवाल होंगे वो एक कमेंट में ज़रूर बताएँ, नहीं तो मैं इस वीडियो में पूरी बताने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले मैं ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। तो यहां पे मैं ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूं। ओपन करने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं इस तरह से इंटरफेस आ रहा है, जैसे कि यहां पे इंडिया वर्सेज श्रीलंका का जो मैच होने वाला है कल। तो यहाँ पर सिंपली मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद कैसे आपको टीम बनाना है और कैसे कैप्टन और बीसी किसको किसको बनाएंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपली यहाँ पर सबसे पहले मैं क्रिएट टीम पर क्लिक कर देता हूं। तो सिंपली यहां पे आपको भी क्रिएट टीम पे क्लिक करना होगा टीम बनाने के लिए। तो सिंपली यहां पे जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे विकेट कीपर है और यहां पे बैट्समैन है और यहां पे ऑलराउंडर है और यहां पे बॉलर है। तो और यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे क्रेडिट आपको दिया हुआ है 100 क्रेडिट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से 1 से 4 विकेट कीपर आपको सिलेक्ट करना है और बैट्समैन में आपको 3 से 6 बैट्समैन सिलेक्ट करना है और आपको 1 से लेकर 4 ऑलराउंडर को सिलेक्ट करना है और आपको 3 से लेकर 6 बॉलर को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और आप यहाँ पे एक टीम में से मैक्सिमम 7 प्लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको 100 पॉइंट्स का ही आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं 1 से 4 विकेट कीपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि मुझे 2 विकेट कीपर सेलेक्ट करना है, तो जैसे यहाँ पे मैं 2 विकेट कीपर सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद बैट्समैन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मैं बैट्समैन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप कम से कम 3 सेलेक्ट कर सकते हैं, अधिकतम से अधिकतम 6। तो यहाँ पर मैं 3 बैट्समैन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 बैट्समैन को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ऑलराउंडर पर मैं चला जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कम से कम 1 ऑलराउंडर को सिलेक्ट करना है और अधिकतम 4 ऑलराउंडर को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं 3 ऑलराउंडर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं 3 ऑलराउंडर को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद बॉलर पे आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ऑलराउंडर यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे बॉलर कम से कम 3 और अधिकतम 6। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 32.5 पॉइंट्स लिफ्ट है। तो यहाँ पर मैं 3 यहाँ पर बॉलर सिलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 पॉइंट बच गया। इससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर घट जाता है तो आपको प्लेयर को मैनेज करना पड़ता। और तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से प्लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे आप जाके प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं कि आपका टीम कैसा बना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से टीम आपका बन गया है। और यहाँ पे कैप्टन और वीसी किस तरह से आपको बनाना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो भी नए प्लेयर रहते हैं उसका कहना रहता है कि जो भी कैप्टन और वीसी बनाना है, जैसे कि इंडिया का कैप्टन है हार्दिक पांड्या और श्रीलंका कैप्टन है शंका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से नए लोगों का कहना रहता है कि कैप्टन उसी को बनाया जाता है जो टीम का कैप्टन होता है, उसको कैप्टन बनाया जाता है और वीसी भी उसी को बनाया जाता है। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, जो भी नए लोग हैं जिसको भी मर्जी आपको है कैप्टन बनाने का उसको बना सकते हैं। इतना 11 प्लेयर में से आप किसी को भी बना सकते हैं। जैसे इसको भी आपको मन है कैप्टन बनाने का, इसको भी बना सकते हैं। ईशान किशन को बनाने का मन है, ईशान किशन को बना सकते हैं। आपको जो भी प्लेयर का कैप्टन बनाने का मन है वो बना सकते हैं और वीसी भी बना सकते हैं। कैप्टन का मतलब होता है कि 11 प्लेयर जो भी आप सिलेक्ट किए हैं, सिलेक्ट करने के बाद इसमें आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा ये विकेट लेंगे या सबसे ज़्यादा रन मारेंगे, या विकेट या रन दोनों मारेंगे, विकेट लेंगे और साथ ही साथ रन भी मारेंगे, तो आपको जो भी लगता है तो उसको आप कैप्टन और वीसी बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जैसे ये बॉलर है, तो यहाँ पे इसका कैप्टन बनाने का मतलब है कि ये 4-5 विकेट लेंगे तो यहाँ पे कैप्टन बनाने से मुझे फ़ायदा होगा, क्योंकि एक विकेट लेने पर 25 पॉइंट्स मिलते हैं। और यहाँ पे जैसे कि इसको भी जैसे कि वीसी बनाते हैं, जैसे कि मुझे लग रहा है ये 4 विकेट लेंगे और ये 3 विकेट या 4 विकेट लेंगे, तो यहाँ पे कैप्टन और वीसी बनाने में फ़ायदा है। और मुझे लगता है कि अक्षर पटेल जो है ये रन भी मारेंगे और विकेट भी लेंगे, तो यहाँ पे इसको बनाने में कैप्टन फ़ायदा है। और वीसी आप जिसको भी मर्जी है कि सबसे ज़्यादा ये रन मारने वाले हैं तो इसको भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप कैप्टन और वीसी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कैप्टन और वीसी बनाकर यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको टीम है जो सेव हो जाएगा, उसके बाद पैसा आपको कटा देना है। जैसे कि यहाँ पे 49 रुपये पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको टीम लगाना है वो आप टीम लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं टीम नंबर 2 लगाने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं 2 पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ज्वाइन पे मैं क्लिक करूँगा।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे पैसा मैं पेड करूँगा तो यहाँ पे ये जो टीम है वो लग जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से टीम लग जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से टीम लगने के बाद फिर से यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट लेटर बोर्ड में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी टीम लगा चुके होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी टीम ज्वाइन हो गए होंगे यहाँ पे आ गया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 81,63,265 लोग 265 टीम इसमें ज्वाइन होंगे। तो यहाँ पे जब मैच स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आपका जो रैंक है यहाँ पे ऊपर नीचे होगा। अगर आप रैंक वन आते हैं तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंक वन को 1 करोड़, रैंक नंबर दो को 40 लाख, रैंक नंबर तीन को 10 लाख। इसी तरह से आप देख सकते हैं रैंक नंबर अगर 4,08,178 से लेकर 54,54,227 रैंक तक आते हैं तो आपको 49 रुपये की राशि दी जाती है। तो फ्रेंड्स अगर ऐसे ही डेली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।